कलेक्टर के निर्देश पर इस नए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। दरअसल स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि उनके बोरवेल में डीजल युक्त पानी पहुंच रहा है, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया, क्योंकि मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच रिपोर्ट आने तक उक्त पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया। आइए सुनते हैं जांचकर्ता अधिकारी तहसीलदार के साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी। लू में भी जो है जीत भी चल रही है, जीत चल रही है, ये कर्तव्य प्रायता है। हमारे बोर का पानी है, अगर इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता तो ये ऊपर से तैरता होता, जिससे ये तैर रहा है। ये तैर नहीं रहा है मतलब कि पानी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। अनचाही स्मेल है, इस चीज़ को मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, हमारे बोर से भी आ रही है। और यहाँ तक मानना है कि इसमें किसी प्रकार का सीवर जो लाइन है उससे इफेक्ट हो रहा है, इस कारण गैसों का इसमें मिश्रण हो गया है। पेट्रोल डीजल पेट्रोल प्रोडक्ट पानी में घुलनशील नहीं होगा, चाहे हम जितना भी ला रहे हैं मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर ही रखेगा। वासियों ने कुछ आरोप लगाया था आपकी टंकी है बगल में और कह रहे थे कि इस टंकी के कारण आपकी पानी आ रहा है, क्या कुछ मामला है, क्या कहते हैं? बोर में गंध युक्त पानी आ रहा है, गंध किस चीज़ की है ये जांच का विषय है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है उसमें, हमारा जहाँ तक आकलन है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि पेट्रोल या डीजल कोई भी प्रोडक्ट होगा तो पानी के ऊपर तैरेगा, जबकि ऐसा तैरता हुआ पदार्थ नहीं दिख रहा है। हमें पंप में स्वयं का बोर है हमारे यहाँ, हम उस पानी की भी जाँच किए हैं, उसमें जो स्मेल आ रही है अनचाही स्मेल है, उस लगता है कहीं सीवेज का कहीं गैसों का मिलाप मेल हो गया है, जिस कारण से वो स्मेल है। हमने अपने टैंकों की जो हमारे अंडरग्राउंड टैंक हैं इनकी लगातार पिछले 15 दिन से निरंतर जांच कर रहे हैं, कहीं अगर लीकेज तो नहीं है, इस प्रकार का कोई लीकेज नहीं पाया गया। स्टॉक में हमारे किसी प्रकार का लॉस नहीं किया पाया गया, अगर रात को हमारे पास 4,000 लीटर स्टॉक है तो सुबह भी हमारे 4,000 लीटर स्टॉक मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम 100,000 लीटर बह जाए। प्रशासनिक टीम ने आपके पंप को सीज किया है, उसमें किया है, स्थायी रूप से बंद किया गया है कि भाई अगर यहाँ से लीकेज होगा तो जाँच के लिए, और अगर गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान है, अब ये प्रशासन से पूछिएगा भरपाई करेंगे नहीं करेंगे, हम कैसे बता सकते हैं। इसके लिए आप कहीं जाएंगे या कहीं पे आवेदन देंगे क्या, किसी कहीं पे भी अपना पक्ष रखेंगे कि हमारे वो तो उपयुक्त फोरम पे हम पक्ष रखेंगे, जो हमारे संभव होगा हम करेंगे भाई, अपना प्रयास भी करेंगे, क्योंकि हमने अपने टैंकों का हमारे जो IOCL के सेल्स ऑफिसर हैं या रिवम पोस्टेड हैं उन्होंने जाँच की, हम स्वयं पिछले 11 तारीख से लगातार इसको वॉच कर रहे हैं कि हमारे टैंक का लॉस तो नहीं हो रहा है,
मैं आपको सैंपल में दिखाता हूँ, ये पेट्रोल डीजल है, ये पेट्रोल मिला हुआ है और पानी मिला हुआ है और डीजल मिला हुआ है। अगर पानी मिला होता, बोर के पानी से आता होता, तो तेल आपको अलग दिख रहा होता, ये आप देख सकते हैं। ये हमने जो अधिकारी आए थे उनको भी दिखाया, परंतु पब्लिक से जुड़ा मुद्दा है इसलिए जो है ये प्राथमिक जो उन्होंने एक्शन लिया है उसमें यही है कि पंप को बंद किया जाए, बिक्री बंद की जाए, उसके इस बारे में कुछ नहीं कह सकते पहले। और हमारा सबके आसपास में प्रेमवत व्यवहार है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि शुरुआत में जब आपकी टंकी खुली थी यहाँ पे, खुलना जब शुरू हुआ था तब भी मोहल्ले वासियों ने इसका विरोध भी किया था, जहाँ पे टंकी न खोली जाए, ऐसा कुछ नहीं। अब ये बोर का पानी है, टंकी खुलते टाइम विरोध हुआ था, उस बात को लेकर आप क्या कह रहे हैं? 15 साल हो, 20 साल हो गए उस मुद्दे को, कोई मुद्दा नहीं है। आसपास के जो रहवासी हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका जो बोरवेल का पानी है वो पानी प्रदूषित आ रहा है, उसमें जो है जो उसकी स्मेल है वो ठीक नहीं है और स्वाद ठीक नहीं है। इसके संबंध में जब शिकायत प्राप्त हुई तो कल जो हमारी जिला आपूर्ति अधिकारी मैडम हैं उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के उपरांत जो शिकायतकर्ता थे उन और आसपास की बस्ती के जो बोरवेल हैं उनके पानी का सैंपल लिया गया है और उस सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। परंतु चूँकि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हमारी कलेक्टर महोदया का निर्देश था कि जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं जाती और कारण का पता नहीं चलता है तब तक अस्थायी रूप से यहाँ की सेल बंद कर दी जाए। और अभी जिला आपूर्ति मैडम लिखित में इंडियन ऑयल वालों को भी सूचित करेंगी कि इसे इस पंप में जो हमारे टैंक हैं उनको अविलंब खाली करें, जिससे जांच की जा सके क्या यहाँ से कोई किसी प्रकार की लीकेज हो रही है और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित हो रहा है या नहीं। ये सब जाँच का विषय है, जांच के उपरांत ही जो निर्णय है वो लिया जा सकेगा। इस समय लोगों का कहना है कि बोर से जो है पानी जो निकल रहा था डीजल युक्त पानी निकल रहा था, क्योंकि ये हमने बताया कि इस संबंध में सैंपल कलेक्ट किया गया है और सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग प्रभावित थे सर? अभी हमारे पास जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत अनोनिमस भी है और कुछ लोगों ने खुले तौर पर शिकायत भी की, कई मंचों पर प्रदान की है। अभी इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं कि कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग प्रभावित नहीं हैं। अगर लीकेज पाया जाता है तो क्या होगा? इसके लिए विभाग अग्रिम कार्रवाई करेगा नियम के अनुसार। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र ₹150 प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 2800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है ₹525 प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9969316257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।